आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यहाँ पर गूगल पे ओपन करते हैं, अपना फ़ोन नंबर रजिस्टर करते हैं और जब आप बैंक अकाउंट ऐड करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर गाइस आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है और आपको क्या क्या करना होगा मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वाला सेंड तक देखिए, अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना देर में इसके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया है कुड नॉट फाइंड अकाउंट, यानी आपका जो अकाउंट है वो सर्च नहीं कर सकते हम, आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा, आपका अकाउंट नहीं मिल रहा ऐसा बोल रहा है ये। और यहाँ पर आपको बोलता है चेक इफ़ योर सिम बिलोंग्स टू द सेम मोबाइल नंबर लिंक्ड टू योर बैंक, इफ़ यस ट्राई एक्टिवेटिंग मोबाइल बैंकिंग बिफोर यू रिट्राई, ऐसा बोलेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम गाइस तभी आती है जब आपका जो फ़ोन नंबर है वो बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। या फिर अगर आपका सिम कार्ड दूसरे फ़ोन में है और आप इस फ़ोन में रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक अकाउंट ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ आपको अपना जो फोन नंबर है वो बैंक अकाउंट से लिंक करना होगा। आपको बैंक में जाना होगा, आपकी ब्रांच में, वहाँ पर आपको KYC के ज़रिए आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं, मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए फॉर्म के अंदर और सबमिट करना होगा आपको फॉर्म को, जिससे आपका जो फ़ोन नंबर है वो लिंक हो जाएगा बैंक से, फिर यहाँ पर आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, इसके बाद ही यहाँ पर आप रजिस्टर कर पाएंगे बैंक अकाउंट, इसके बाद ही यहाँ पर आप ऐड कर पाएंगे बैंक अकाउंट और आप फोन गूगल पे ओपन कर पाएंगे और आप गूगल पे यूज़ कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू वेरी मच।